हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सरोज। मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज आपके लिए लेके आए हैं घर में ही अपना किस तरीके से फेशियल कर सकते हैं। अपनी स्किन की जो भी दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम है, वो एक बार में ही ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि गर्मियों का टाइम है। गर्मियों में हमारी स्किन बहुत ज़्यादा डल पड़ जाती है, धूप के कारण, गर्मी के कारण भी बहुत ज़्यादा स्किन ख़राब हो जाती है, और उम्र के हिसाब से भी हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग जाती है। तो किस तरीके से अपने स्किन को वापसी बहुत ही तरोताज़ा और बहुत ही सुंदर बना सकते हैं, वो भी घर की ही चीज़ों से, जो कि चाइनीज़ लोग यूज करते हैं वो घर में ही। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने प्लेट ली है, तो यहाँ पे मैंने लिया है टमाटर। तो आज हम बनाने वाले हैं टमाटर से फेशियल। तो टमाटर हमारे स्किन के लिए इतना ज़्यादा अच्छा होता है कि आप एक बार इसको ट्राई करेंगे ना अपनी स्किन के ऊपर, तो आपकी कैसी भी स्किन हो, इतनी ज़्यादा आपकी स्किन में ग्लो आएगा, इतनी ज़्यादा चमक आएगी कि आप खुद भी अपनी स्किन को एक बार देखना स्टार्ट कर देंगे, और इतनी ज़्यादा सभी लोग आपकी स्किन की तारीफ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो टमाटर लिया था बिल्कुल रेड कलर का लिया है, और दो भागों में मैंने इस तरीके से डिवाइड किया है। तो मैंने टमाटर को इस तरीके से दो भागों में डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने लिए शक्कर। तो चीनी हमारे जो इसके लिए, जो फेशियल के लिए चीनी बहुत ही ज़बरदस्त काम करती है, बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है चीनी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इसमें चीनी डाली है, और यहाँ पे मैंने लिया है इसमें कोलगेट, क्योंकि कोलगेट से हमारी जमी हुई मैल, जमी हुई गंदगी, हाथ पैरों की सब एक बार में ही ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, मैंने इसको भी डाल दिया है, कोलगेट को भी। तो फ्रेंड्स, हमारे ये जो फेशियल बनने वाला है ना, इतना अच्छा फेशियल होगा कि आपको महंगे महंगे पार्लर से फेशियल करवा के आते हैं ना, उसका भी इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता होगा जितना अच्छा रिजल्ट आपका इसका मिलेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने दोनों चीज़ों को ही मैंने अच्छे से ये डाला है ना, उसके ऊपर जो चक्कू की नोक होती है उसके ऊपर इस तरीके से हम इस तरीके से प्रेस करते रहेंगे, ताकि जो ये जो टमाटर का रस है ना, पूरी तरीके से अच्छी तरीके से इसमें मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हैं, इसमें जो मैं चक्कू से इस तरीके से इसको थोड़ा सा मिक्स कर रही हूँ, जो अच्छे से जो टमाटर का रस होता है ना, उसमें अच्छी तरीके से ये चला जाएगा पानी के अंदर, और ये पिघल जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, इसको अच्छी तरीके से थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, ताकि जो भी ये रस है पूरी तरीके से इसमें अच्छे से घुल जाए, और जो चीनी है थोड़ी पिघल जाए। तो फ्रेंड्स, अब हमें लेना है एक बड़ी सी कटोरी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं जो टमाटर मैंने दोनों ही लिए हैं, टमाटर का जो पार्ट होता है, आप ये अलग अलग फेशियल भी कर सकते हैं, क्योंकि कोलगेट जो मैंने ली है, कोलगेट से हमारी जो भी कालापन होता है ना, बहुत ज़्यादा कालापन होता है, वो निकल जाता है। और जो चीनी का मैं फेशियल कर रही हूँ, इससे हमारी स्किन में बहुत ज़्यादा ग्लो आता है, स्किन में बहुत ज़्यादा नमी भी रहती है, ग्लो आता है। तो जो पूरा टमाटर का अंदर का मसाला था, मैंने पूरी तरीके से निकाल लिया है, और अच्छी तरीके से मिला भी लेते हैं। तो इस तरीके से पूरी तरीके से मिलाएंगे, और हमें फिर मिलाने के बाद में क्या करना, अच्छी तरीके से देख सकते हैं, टमाटर के हेल्प से मिलाना है। तो यहाँ पे पूरी तरीके से मिक्स हो चुका है, तो अब मैं हाथों पे लगा रही हूँ। तो इस तरीके से हाथों पे लगाना है आपको, पीछे गर्दन पे लगाना है, हाथों पे लगाना है, और क्या करना है, दोनों हाथों पे लगाएंगे, दोनों पैरों पे लगाना है, क्योंकि इससे बहुत ही ज़बरदस्त फेशियल होने वाला है। अगर आप कहीं शादी पार्टी में जा रहे हैं, तो एक बार ज़रूर इस रेमेडी को अपनी स्किन पे ट्राई करना, ताकि बहुत ही अच्छा रिजल्ट आए, और आपकी सभी लोग देख के तारीफ़ करना स्टार्ट कर दे कि आपने ऐसी अपनी स्किन के ऊपर क्या रेमेडी, क्या चीज़ लगाया, कौन सा फेशियल करवाया है, क्योंकि इतनी ज़्यादा स्किन आपकी ज़्यादा चमक मारेगी ना, बहुत ज़्यादा स्किन आपकी अच्छी हो जाएगी इससे। तो फ्रेंड्स, मैं दोनों हाथों पर अच्छे से लगा ली हूँ, और इसको अच्छे से 10 मिनट के लिए मालिश करनी है, और फिर अच्छी तरीके से मसाज करनी है हाथों की, ताकि पूरी गंदगी, जमा हुआ मैल पूरी तरीके से हमारे हाथों की निकल जाए। तो इस तरीके से मालिश करना है 10 मिनट के लिए, और उसके बाद में हमें अच्छे से धो लेना है इसको। अभी तो हमें मालिश करना है और फिर धो लेना है।
इस तरीके से हमें बहुत ही अच्छे से मालिश करना है हाथों की। तो